Hello, assalamualaikum, sasriyakal, namaste, kemcho, majama, kesakai, marhaba, welcome to Danish Vlogster. Guys, another episode of the Ramadan series. And in this episode, we will show you the Pakistani street food stalls which are located on Alam Rock Road. And the place I have come to today, this place is My Favorite Chippy Stop. So here, they have put a stall here. And mashallah, their food is नजर आ रहे हैं तारी की जो तैयारी है ठीक है चिकन पकोड़े हैं ठीक है समोसे हैं वेजिटेबल समोसे फ्रेशली बनाते हैं इधर ठीक है एज यू नो व्हाट लेट्स नॉट डिले एंड लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस इज ऑल अबाउट तो चलो हमारे नाल सो गाइस दिस इज अनदर प्लेस माय फेवरेट चिप शॉप और इधर लगे हुए हैं जी हमारे अंकल इधर बना रहे हैं जी क्या क्या बन रहा है अस्सलाम वालेकुम किधर से आप ये देखें बना रहे हैं जी चिकन पकोड़ा बना रहे हैं चिकन पकोड़े बना रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मेरा नाम ताज है ताज है और कहाँ से इधर आलम बाग से नहीं पाकिस्तान से कहाँ मीरपुर से माशाल्लाह माशाल्लाह रोजे अच्छे जा रहे हैं अलहमदुल्ला तो इफ्तारी की तैयारी हो रही है सो मैं चिकन पकौड़े और माशाल्लाह ये इन्होंने छोटी सी इधर जो है कुकिंग का एरिया बनाया हुआ है ठीक है तो सिर्फ चिकन पकौड़े बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं चपली कबाब भी बनाते हैं अच्छा सर तो अंकल क्या हाल है ठीक हो ये क्या कर रहे हैं आप इस पे समोसा के लिए तैयारी कर रहे हैं ये देखें जी तैयारी कर रहे हैं समोसा के लिए अच्छा पापड़ी चाट भी करते हैं फिलहाल ये पहली जगह मैंने देखी है पापड़ी चाट कर रहे हैं जबरदस्त पापड़ी चाट भी करते हैं समोसा चाट भी करते हैं चना चाट भी करते हैं दही भला भी करते हैं तो आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से मैं गुजर खान से और आपका क्या नाम है मेरा नाम जी चलो माशाल्लाह कितने साल हो गए आप लोग को इधर मुझे 18 साल हो गए अच्छा और कुकिंग वाइज बचपन से चले ये देखें हमारे प्रोफेशनल इधर हमारे अंकल इधर जो है काफी मेहनत का काम कर रहे हैं गाइस रमजान का होटल है उधर पाकिस्तान में उधर से एक्सपीरियंस लिया हुआ है अच्छा गाइस ये देखें माशाल्लाह बन रहे चिकन पकौड़े एंड देन मेक सम समोसा एज वेल और ये देखें गोलगप्पे भी करते हैं इधर ठीक है छोटी सी दुकान है बार स्टॉल लगी है लेकिन माशाल्लाह खाना अच्छा हो तो मजेदार तैयार होने वाला कितना टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता ना ये ज़रा दिखाएं ऊपर करके पाँच मिनट ऊपर करके देखिए ये देखें माशाल्लाह 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 ये देखें और गाइस दे गॉट स्लशेस एज़ वेल सो इफ़ यू गाइस वांट टू कम डाउन दे डू सम स्लश और ये जो है हमारे अंकल देखें इधर आपको सब दिखाते हैं ये समोसा तैयार कर रहे हैं होम मेड ये जो होम मेड होता है होम मेड फ्रेश मेड बिल्कुल ये वाले समोसे काफी लोगों को पसंद आते हैं जो थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बड़े होते हैं ना ये पाकिस्तानी स्टाइल है ये पाकिस्तानी स्टाइल बिल्कुल खाली आलू का समोसा बिल्कुल तो गाइस ये तैयार कर रहे हैं समोसे क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत थोड़ा टाइम रह गया है तो लोग आते हैं इधर काफ़ी पसंद करते हैं जो भी गुजर रहे होते हैं काफ़ी आलम रॉक रोड आप देख सकते हैं काफ़ी बिजी है तो ये जगह जो है आलम रॉक रोड पे ऊपर की तरफ आता है ये थोड़ा और काफ़ी जो है बिजी रोड है इफ्तारी टाइम से पहले बस इफ्तारी टाइम को थोड़ा टाइम रह गया तो आपको क्या पसंद है इफ्तारी में क्या क्या दिल करता है खाने को सब चीज़ें खाते हैं हम सब चीज़ें खाते हैं क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए लाजमी ये तो लाजमी होनी चाहिए ये लाजम मलजूम बिल्कुल जी ये देखें समोसेदार हैं ठीक है समोसे जो अभी इन्होंने तैयार किए हैं ठीक है और फ्रेश बना रहे हैं ठीक है जबरदस्त ये देखें गाइस समोसे बन रहे हैं जबरदस्त गाइस क्रिस्पी फ्रेश समोसे खाने तो आप इधर आए फ्रेश समोसे खाएं इधर अब क्या बना रहे हैं इधर चपली कबाब ये सो गाइस इसमें कि नहीं है चपली कबाब क्या क्या है मतलब कि स्पाइसी है कि इज इट स्पाइसी और मीडियम स्पाइस अच्छा तो ये देखें तैयार कर रहे हैं
ये देखें जी चपली कबाब चला गया जी। नॉर्मली दीज आर ये द बिग शेप वंस। ये देखें गाइस चपली कबाब जल गया जी। तो गाइस आप आए इधर, काफ़ी माशाल्लाह इनके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं, इधर स्टॉल बाहर लगा हुआ है। आप आए इंजॉय करें, इफ्तारी से पहले आप आए और बहुत सारे खाने इंजॉय करें। और जी अंकल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप कोई पैगाम देना चाहें आवाम को या पाकिस्तान को, इधर के लोगों को या कुछ। मेरी तरह से सबको सलाम यार देना, बस और क्या। सलाम ठीक है, चले नो प्रॉब्लम। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को, और अगर पाकिस्तान में किसी को देना है या इधर यूके में? हम सबको सब जितने मेरे जाने बजाने वाले कस्टमर है सबको मेरा जनाब ईद मुबारक भी है। और जब भी आप आए इंशाल्लाह आपको ताज़ा खाना मिलेगा, इधर से स्टार्टर्स मिलेंगे। बिल्कुल थैंक यू। तो माशाल्लाह हमारे पास ये दो भाई आए हुए माशाल्लाह जी। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। नासिर भाई ठीक है। और आपका जी? जी एल ए। तो कहाँ से आप पहले ये बताएं? इधर ही बर्मिंघम से। बर्मिंघम से पाकिस्तान से कहाँ से? पाकिस्तान कश्मीर से भाई साहब, आजाद कश्मीर। दोनों भाई? हाँ पंजाब से पाकिस्तान। जबरदस्त। तो क्या आलम रोक का माहौल कैसा है जरा बताएं? बहुत अच्छा जी, आलम रोक है। और ये जगह हम आए हुए माशाल्लाह स्टॉल लगी हुई है बाहर, इसके बारे में क्या खाने आप देख रहे हैं? स्टॉल इधर बहुत कम मिलता है यूके में। बहुत अच्छा टेस्टी है यार, टेस्टी है। खाना खाने में बहुत अच्छा खाना पसंद है, खाना साना स्पेशल हमने हर रोज ही तकरीबन। जबरदस्त जबरदस्त। अली भाई साढ़े तो रोजा कैसे जा रहा है? आपका चैनल भी है जी अली, तो क्या नाम है? जेड अली है ठीक है। तो चलो गाइस हम चेक करेंगे इंशाल्लाह, इनको सब्सक्राइब भी करें गाइस जेड अली को। और थैंक यू वेरी मच भाई, हैप्पी रमजान एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए मेरे पास। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चले अल्लाह। सो गाइस टुडेज एपिसोड, आज का एपिसोड हम इधर स्टॉप करते हैं। और माशाल्लाह से गाइस काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी आप लोगों को चीज़ें दिखाई भी हैं। और इंशाल्लाह आगे वाले वक्तों में भी आपको बहुत सारे एपिसोड्स में नई नई चीज़ें और वही पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड एंड मेनी अदर टाइप ऑफ फूड गाइस, इफ्तारी की क्या प्रिपरेशन होती है इधर ठीक है। सो ऑल ऑफ मस्ट से गाइस इज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दानिश व्लॉग्स्टर, एंड मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर यू लेट मी नो and let me know let us know about what you guys think about the videos. And guys, if you want me to do any sehri or iftari anyway, let me know as well guys. And yeah, all I must say for now is take care and khuda hafiz, see you in the next vlog.